मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस 9 अप्रैल शुक्रवार को चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ आईपीएल 2021 का पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला रात के 7:30 बजे शुरू होगा। पिछले सीजन मुंबई ने खिताब पर कब्जा किया था, वही बैंगलोर चौथे स्थान पर रही थी। आइए जानते हैं दोनों टीमों के बीच अब तक के रिकॉर्ड्स और संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल में अब तक कुल 27 मैच खेले गए हैं, जिसमें मुंबई ने 17 और बैंगलोर ने सिर्फ 9 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा, जिसमें सुपर ओवर में बैंगलोर की टीम ने जीत हासिल की। दोनों टीमों के बीच पिछले 5 मुकाबले की बात की जाए तो मुंबई ने 4 में जीत हासिल की है, जबकि टाई होने के बाद एक मैच बैंगलोर ने जीता है। मुंबई इंडियंस संभावित प्लेइंग 11। क्विंटन डिकॉक फिलहाल क्वारंटाइन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उनकी जगह पहले मुकाबले में विस्फोटक ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज क्रिस लिन कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में नेथन कुल्टर नाइल की जगह पीयूष चावला को जगह मिल सकती है। चेन्नई की पिच स्पिनरों के लिए मददगार साबित होती है और चावला इस टूर्नामेंट के सबसे अनुभवी गेंदबाजों में से एक है। टीम: क्रिस लिन, रोहित शर्मा कप्तान, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, नेथन कुल्टर नाइल या पीयूष चावला, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर संभावित प्लेइंग 11। देवदत्त पडिक्कल कप्तान विराट कोहली के साथ पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं। पडिक्कल अभी कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं। अगर वो पूरा फिट नहीं महसूस कर सकते हैं तो उनकी जगह रजत पाटीदार को मौका मिल सकता है। पाटीदार ने बैंगलोर के दोनों प्रैक्टिस मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी। टीम: देवदत्त पडिक्कल या रजत पाटीदार, विराट कोहली कप्तान, एबीडी विलियर्स, मोहम्मद अजहरुद्दीन विकेटकीपर, ग्लेन मैक्सवेल, डैनियल क्रिश्चियन, वॉशिंगटन सुंदर, काइल जेमिनसन, शाहबाज अहमद या नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल।